वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों हम जो है वो रेस्टोरेंट और चाइनीज फूड को बहुत मिस कर रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बचे हुए चावल से फ्राइड राइस, घर में ही बनाएंगे। यहाँ पर हमने बहुत सारे वेजिटेबल का इस्तेमाल किया है, तो ये फुल हेल्दी भी होने वाला है। तो जल्दी जल्दी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से वीडियो को शेयर करना ना भूले। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोस मिल सके सबसे पहले। सबसे पहले पैन में हम बारीक कटा हुआ जिंजर गार्लिक फ्राई करेंगे। उसके बाद हम थोड़ी सी ग्रीन चिली बारीक कटी हुई और सारे वेजिटेबल को ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने शिमला मिर्च, गाजर और गोभी का इस्तेमाल किया है। आप आपके पसंदीदा वेजिटेबल का इस्तेमाल कर सकते हो। इसे 2 से 3 मिनट तक हम सॉटे कर लेंगे। तो ये अच्छे से सॉटे हो चुके हैं। इसमें स्वादानुसार नमक ऐड करना है, रेड चिली सॉस ऐड करेंगे, थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे और थोड़ा सा विनीगर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसमें कॉर्न ऐड कर दिए हैं, ये ऑप्शनल है। यहाँ पर हम डालेंगे चिंग्स का फ्राइड राइस मसाला और हमारे बचे हुए चावल। इन सब को अच्छे से सॉटे कर लेना है हमें 2 से 3 मिनट के लिए। इनका रेडी हो चुके हैं हमारे होममेड फ्राइड राइस। चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करना ना भूले और वीडियो पे कमेंट और लाइक करना ना भूले। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें।